वेलकम बैक फ्रेंड्स, अल्टरमाइंड चैनल आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त ऋतिक आज आपके लिए लेके आया हूँ मूवीज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक और ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा मूवीज के फुल डिटेल, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आपको मेरा पोस्टर देख के समझ में आ चुका होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं चलता हूं सबसे पहले अपने पीसी पे। यहां पे मैं अपने पीसी पे आ चुका हूं। आने के बाद सबसे पहले मैं अपने मूवीज सॉफ्टवेयर को करता हूं रन। और यहाँ मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ओपन हो चुका है। आपका भी जब पहली बार ओपन होगा तो सिर्फ ऐसा ही होता है। होने के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बॉक्स और यहाँ पे एक और बॉक्स, यानी कि दो बॉक्स दिख रहे होंगे। इस पे लिखा हुआ है एक पे कैमरा और एक पे लिखा हुआ है न्यू स्क्रीन। यहाँ पे आपको सारे के सारे बैकग्राउंड मिलते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड बनाना है तो आप बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना आता तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग कई प्रकार के बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई से भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ व्हाइट बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है ओके, और आपके सामने वो बैकग्राउंड लोडिंग लेके आ जाएगा। आने के बाद सबसे पहले मैं इसे करता हूँ थोड़ी फुल डिस्प्ले पे, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ दिख सके। और दोस्तों ये है कैमरे के लिए, हम कैमरे में जो भी यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे कैमरे के अंदर, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे शो होता है। तो दोस्तों ये है कैमरा, इसे हम थोड़ा यहाँ पे साइड कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फाइल। यहाँ पे सबसे पहले फाइल आता है, यहाँ पे सारे इसके मेन्यू वगैरह दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल में क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे चीज़ होता है। सबसे पहले आता है न्यू, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+N। अगर आप इसका उपयोग तब होता है अगर आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिर से दोबारा वही बॉक्स आता है जिसमें बैकग्राउंड वगैरह चूज़ के लिए आता है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप जाके फाइल में जाके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है न्यू, तो आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसे करता हूँ मैं कैंसिल। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे दोबारा फाइल में जाता हूँ मैं, यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ है ओपन। अगर आपने पहले से कोई फाइल या प्रोजेक्ट बना के रख रखा अपने पीसी में, उसे ओपन करने के लिए ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इस पर लिखा हुआ है ओपन, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+O। आप उसे प्रेस करते हुए उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैं देखता हूँ कोई फाइल जो मेरी पहले से ही बनी हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ ओपन करके। तो यहाँ मैंने फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आपको सामने फाइल लोडिंग होता आता है। तो यहाँ मेरी फाइल वो आ चुकी है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा होगा लोडिंग चल रही है। तो यहाँ मेरी फाइल आ चुकी है जो मैंने पहले से ही सेव करके रख रखा था। यहाँ पे डोर की वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये डोर ओपनिंग डोर नहीं आता, कैसे करेक्टर को करेक्टर जो होता है वो ओपन डोर करता है, तो आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन था जिसमें मैंने आपको अभी बताया ओपन कैसे करते हैं किसी फाइल को पहले से जो बना के रख रखा है। थर्ड में आता है सेव करने के लिए, Ctrl+S, जिसकी शॉर्ट की सेव। आपको ये पता होगा ये सेव क्या चीज़ होता है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्लिक कर करेंगे तो ये जो भी हमने बना रखा है वो सारी चीज़ सेव हो जाएगी। फोर्थ पे आता है सेव एस। यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, नीचे लिखा हुआ है सेव एस, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+S। इसे कहते हैं हम सेव एस। सेव एस का मतलब ये होता है अगर आप किसी फाइल को सेव एस करते हैं तो वो फाइल दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक पहली फाइल जिसे हम कहते हैं सेव, और जो दूसरी फाइल जिसमें लिखा हुआ सेव एस। सेव एस में जो आपने एडिटिंग वगैरह की होती है वो आती है, मतलब एक फाइल के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके नीचे आता है ऑप्शन। ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे खुलता है एक बॉक्स जिसपे आपको यहाँ पे लिखता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी मतलब आप जो वीडियो बना रहे हैं वो कौन से पिक्सल में बनाना है आपको, यानी कि 3GP, HQ, HD, HD से ऊपर, HD+, जो भी होता है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन वगैरह दे रखी है, आप उसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे हाई रेजोल्यूशन है 720 पिक्सल, आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो 720 पिक्सल में यानी कि थोड़ी HD जो होती है वो HD वीडियो बन सकती है इसके अंदर। उसके नीचे आता है इसके कोड्स। ये कोड यानी जो आप अपने फ़ोन में चलाते हैं MP4 वीडियो की जो होती है, लास्ट में लिखा होता है .MP4, .3GP, .HD, HD+, वो होती है। तो आप यहाँ सामने तीन ही आते हैं, आप उसको कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, इससे कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। और इसके नीचे आता है वर्जन, DirectX वर्जन, आपके PC में कौन सा वर्जन है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसके अंदर वर्जन में पहले से ही होता है, तो उसे कहते हैं हम DirectX वर्जन। तो इसके अंदर इसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप जितने ज़्यादा वर्जन सेलेक्ट करेंगे आपको जो सॉफ्टवेयर है उसे अच्छे तरीके से काम करेगा, और सही मतलब सही तरीके से काम करेगा। उसके नीचे आता है वॉल्यूम। अगर आपको कोई से भी इसके अंदर वॉल्यूम ऑडियो वगैरह पुट करते हैं, या जो आप वीडियो मेक करते हैं एंड में मतलब वीडियो बनाते हैं उसकी वॉल्यूम वगैरह सेट करने के लिए, तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, या आप वहाँ जाके भी सेट कर सकते हैं। सबसे नीचे लास्ट में आता है लैंग्वेज, आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 3 या 5 लैंग्वेज दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो पॉपुलरिटी इंग्लिश में ही है, तो फिलहाल यहाँ पर इंग्लिश रहने देने वाला हूँ और इसे करते हैं क्लोज। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में क्या क्या चीज़ है। सेकंड ऑप्शन में आता है क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने ये कुछ 8, 7 या 8 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट है करेक्टर, इस पर क्लिक करते हैं। मगर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आपको चाहिए करेक्टर, तो जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा हो करेक्टर, सेम ऐसे ही करेक्टर लेने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे करेक्टर मिल जाएंगे। अगर आपके मूवी सॉफ्टवेयर में आपको ये करेक्टर नहीं मिल रहे हैं, अगर आपके मूवी सॉफ्टवेयर में ये करेक्टर नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें ये करेक्टर आते हैं मूवी सॉफ्टवेयर में, डाउनलोड की वीडियो बना रखी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके मूवी सॉफ्टवेयर में ये सारे करेक्टर आ जाएंगे। मैं आपको बताने वाला था करेक्टर, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सामने एक करेक्टर मेक होकर आ जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर आया। मैं थोड़े से थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। तो यहाँ आपके सामने आता है एक करेक्टर। उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट, आपके सामने खुल के आता है एक क्रिएट नाम का एक बॉक्स, जिसमें आपको सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑल पे क्लिक करें तो ऑल पे करने आपको सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। फिलहाल आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई सा ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। चलिए इसे करते हैं कैंसिल। थर्ड ऑप्शन है बैकड्रॉप, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वॉल आ जाती है, आपको किस प्रकार की वॉल चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ये वॉल खड़ी हुई है, तो वैसे ही आपको यहाँ से बहुत सारे वॉल मिल जाएंगे, आप यहाँ से वॉल लेकर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसे करते हैं कैंसिल और चाहते हैं फोर्थ ऑप्शन है इफेक्ट। अगर आप किसी करेक्टर में इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर यहाँ से इफेक्ट लगता है। अब अगर आपको इफेक्ट लगाना नहीं आता किसी करेक्टर में इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो यह है करेक्टर इफेक्ट लगाने के लिए। तो इसके नीचे आते हैं लाइटिंग, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्राइटनेस वगैरह है, यहाँ पर अगर आप लाइट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर कोई ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप डीजे का वीडियो बना रहे हैं जिसमें डांस फ्लोर वगैरह, या आप ऐसी सिंपली किसी रोड पे या हाईवे पे लाइट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये लाइटें वगैरह आ जाती हैं। आप यहाँ से कोई सा भी लाइट सेलेक्ट करके उस लाइट को लगा सकते हैं अपने वीडियो में। उसके नीचे आता है वर्ड, वर्ड में ये है अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं किसी वीडियो वगैरह में, आपको पता ही होगा टेक्स्ट वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब, आप हमारे चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद ग्रुप, ग्रुप में आपको लिखा हुआ है ग्रुप लेटर, ये लेटर अगर क्रिएट करेंगे तो ये सारे लेटर ग्रुप में आएंगे। अगर आप इसे अनग्रुप कर देते हैं, नीचे जैसे नीचे लिखा हुआ है, आपको सेकंड ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल लेटर, तो ये सारे करेक्ट जो लेटर हैं जो मैंने लिख रखा सब्सक्राइब, वो सारे वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। चलिए आपको करके दिखाता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा इसे करता हूँ हल्का सा पीछे कैमरे को, और अब मैं इसे करता हूँ क्रिएट, तो आपको सामने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया होगा। इसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसे मैंने कर दिया थोड़ा सा आगे ताकि आपको दिख सके सब्सक्राइब अच्छे से लिखा हुआ, तो आपको सामने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया। चलिए इसे करते हैं हम डिलीट ताकि मैं और आपको चीज़ दिखा सकूँ। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रेडिट में जाकर नेक्स्ट है वर्ड हो गया हमारा कैमरा। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कैमरा, अगर आप सेकंड कैमरा लेना चाहते हैं इसके अंदर टोटली 4 कैमरा आते हैं। अगर सेकंड कैमरे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ के सामने एक और कैमरा खुल के आ चुका है। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा हल्का सा पीछे, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कैमरा के बॉक्स में यहाँ आपको फर्स्ट कैमरा और सेकंड कैमरा दोनों दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कभी कर सकते हैं। इसके बगल में आता है एक्शन लिखा हुआ, तो एक्शन के अंदर आपको जैसे फर्स्ट कैमरा सेलेक्ट है तो फर्स्ट कैमरा दिखेगा, और आप ऑल पर जाइए और आप सेकंड कैमरा सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड कैमरा दिखेगा। तो मैं करता हूँ कैमरे को डिलीट। चलिए अब आगे देखते हैं, अब जाते हैं फिर से दोबारा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद उसे लास्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी करेक्टर कोई थर्ड पार्टी ऐप से या एप्लीकेशन से आपने बना रखा करेक्टर या ऑब्जेक्ट, या आपने कुछ भी चीज़ बना रखी है जो मूवीज के अंदर नहीं है, इम्पोर्ट का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को या करेक्टर को इम्पोर्ट करना, यानी कि इसमें लेके आना। तो आप अगर आपके पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो सिंपली वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इम्पोर्ट का मतलब ये होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट टैब में, यानी कि जिस पे लिखा हुआ एडिट। एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट पे आता सबसे पहले सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+A। सेलेक्ट ऑल मतलब यानी आपको समझ में आ चुका होगा, इस पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल, यानी कि जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेडर बॉक्स वगैरह, तो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब फिर दोबारा उस पर आता है एडिट पे, सेकेंड ऑप्शन आता है सेलेक्ट नन, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+Shift+A। अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो आपने जितने भी सेलेक्ट करे थे, सो जितने भी एरिया या जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता वो सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे, वो हट जाएंगे दोस्तों, वो उस काम आता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है आपके सामने यहाँ पे कट, तो कट को दिखाने के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने करेक्टर पर कॉपी की सिलेक्ट करा करेक्टर को, और जाता हूँ एडिट में,
और यहाँ पे मैं करता हूँ कट, कट की शॉर्ट किए कंट्रोल प्लस एक्स, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ से करेक्टर ये हट जाएगा। हटने के बाद अगर हम इस करेक्टर को कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर इस साइड थोड़ा कैमरे को मैं हल्का सा घुमाता हूँ और फिर दोबारा मैं जाता हूँ एडिट पे, कट करने के बाद फिर सीधा जाते हैं पेस्ट पे, यानी कि उसे करेक्टर को वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना है तो उसके लिए ये काम करते हैं। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस वी, जिसे कहते हैं पेस्ट, उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो करेक्टर यहाँ पर आ चुका है। आप इस करेक्टर को ऐसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। चलिए मैं इस करेक्टर को फिलहाल अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं थोड़ा पहले की तरह लेके आता हूँ बैकग्राउंड को। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने कॉपी। ये कॉपी बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जो कट का काम करता है, आपको पता ही होगा कट और कॉपी पेस्ट ये क्या होता है। तो चलिए मैं कॉपी को छोड़ देता हूँ और पेस्ट आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। डिलीट आपको पता ही होगा कि सिंपली किसी भी चीज़ को डिलीट करना तो उसे सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जी, ये अभी हाइड हो रहा है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप में लाना चाहते हैं उसके लिए उपयोग होता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिलहाल मैं इसे ले लेता हूँ, और सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं इसको। इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करना है, नहीं तो ये नहीं होगा। और ये आपको दिख रहा होगा दोनों चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसमें जाते हैं दोबारा से एडिट में, आप कंट्रोल जी प्रेस करके भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप में हम सिंपली ऐसे क्लिक करते हैं, अभी ये दोनों हो चुके हैं ग्रुप में। आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स पूरा बड़ा हो गया, अभी फिलहाल इससे पहले ये बॉक्स अलग अलग थे। अब मैं इस पर क्लिक करके अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं आगे लाता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट आगे आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे दोबारा पीछे करता हूँ तो दोनों पीछे हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम ग्रुप। इसके हम नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा एडिट में जाते हैं, एडिट में इसमें नीचे लिखा हुआ है अनग्रुप, यानी कि इसे पहली तरह हटाना, दोनों को अलग अलग करना। तो इसमें क्लिक करता हूँ मैं और ये दोनों हट चुके हैं, आपको दिख रहा होगा दोनों सिलेक्शन जो अलग अलग हो चुके हैं, तो इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखा हुआ है लॉक, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करना चाहते हैं, ताकि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेट कर दिया, करेक्टर सेट कर दिया, आप उसे हिलाना नहीं चाहते तो उसे कहते हैं लॉक। आपको ही पता होगा उसे लॉक कर दो वो हिलेगा नहीं। जैसे मैं अब फिलहाल मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस करेक्टर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद मैं करता हूँ लॉक पर क्लिक, तो यह करेक्टर हो चुका है लॉक। आप यहाँ पर दिख रहा होगा एक ताला सा बना हुआ आ गया, ये लॉक हो चुका। अगर मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा आगे पीछे तो ये नहीं होने का, मैं अब करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा क्योंकि ये लॉक हो चुका है। अब इसे दोबारा समझाते हैं एडिट ऑप्शन में और ये नीचे लिखा हुआ अनलॉक, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। मैं आपको साथ साथ शॉर्ट की इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी शॉर्ट की के भी मदद से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा अनलॉक। आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पर जो लॉक सा बना हुआ था वो हट चुका है, अब ये अनलॉक हो गया। आप इसे जहाँ मर्जी रोटेट या घुमा सकते हैं या इसे ले जा सकते हैं। देखा जैसे मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पर करेक्टर और ये घूम रहा होगा, वैसे आप कर सकते हैं इसे। उसके बाद आता है आपको नीचे सबसे एडिट इन्वायरमेंट, यानी कि आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा हो उसे एडिट करने के लिए फिलहाल आप इसको क्लिक करते हैं। तो एडिट के सामने आपको आता है स्काई, आपको मतलब आसमान का कलर चेंज करना हो यानी कि, तो उसके लिए हो जाता है। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं इसका हल्का सा पीछे लेता हूँ और इसे हल्का सा मैं थोड़ा ऊपर भी लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आसमान। आसमान को अगर हम इसमें क्लिक करते हैं, अगर आपको उसको चेंज करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्रीन पे, तो ये ग्रीन हो चुका है पूरा ग्रीन ग्रीन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको सामने ये हो चुका है, तो ऐसे इसे नन कर देता हूँ, नन करने से पूरा ब्लैक हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो, आपको कलर आसमान को अगर ब्लैक नहीं करना चाहते, कोई अलग कलर में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से कलर वगैरह सारे मिल जाते हैं। आप यहाँ से जैसे रेड पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये रेड हो चुका है। येलो पर क्लिक करता हूँ तो आपको येलो हो चुका है। दोस्तों ऐसे सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ कैंसिल। उसके नीचे आता है ग्राउंड, आप ग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो जो आपको नीचे ग्राउंड दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, यानी कि अब ये तो था स्काई का, अब ये नीचे ग्राउंड का है। आप यहाँ से ग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके आप जाइए कलर में। कलर में जाने के बाद आपको देख रहा हूँ ब्लैक हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कुछ रेड वगैरह, यहाँ पे रेड हो चुका आपको दिख रहा होगा नीचे। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से ग्रीन, तो यहाँ पे नीचे ग्रीन हो चुका है, देखें आपको बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। तो आप ऐसा इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ उस बॉक्स को और एडिट करना सबसे लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं, जिस पर लिखा हुआ है एडिट। एडिट के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है, इस पर लिखा हुआ है एडिट। अगर आप किसी चीज़ को भी एडिट करना चाहते हैं तो उसके काम ये आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं थोड़ा नीचे और लाते हैं थोड़ा इसे करते हैं जूम, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं एडिट करते हुए कुछ भी चीज़ों को। तो थोड़ा और पास लाता हूँ मैं, अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा सिंपली करेक्टर पर। आपको मैं करेक्टर को एडिट करके दिखाता हूँ। एडिट पर जाने, करेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एडिट ऑप्शन में। एडिट में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है एडिट, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ई। आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आपको आप कुछ भी आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि एडिट का मतलब चेंजेस ही होता है।
तो आप उसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं उस बुक को करता हूँ कैंसिल। अगर आपको करेक्टर से रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर वो भी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं करेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं। चलो मैं इसको करता हूँ कैंसिल। तो यहाँ आपके सामने एडिट का एडिट के सारे ऑप्शन हो चुके हैं। तो हम चलते हैं व्यू ऑप्शन में। आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा था यहाँ पे मोड एक आ गया। जैसे कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से क्लिक करते हैं जैसे नॉर्मल लाइटिंग पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। तो एक तरह से जैसे लाइट को इंक्रीज़ करने के लिए आपके फ़ोन में ब्राइटनेस इंक्रीज करते हुए सिंपली वैसे ये एक, तो उसको शॉर्ट की है F12। आप F12 प्रेस करके भी इसे थोड़ा ब्राइटनेस कम या एक तरह से मान लीजिए ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे लाइट इसे लाइटिंग कैसे इसमें लिखा हुआ है, उसके नीचे आता है लुक एट। आप किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट या करेक्टर या वर्ड टेक्स्ट किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं व्यू में। व्यू में जाने के बाद अगर आप करते हैं लुक एट, जिसकी शॉर्ट की एल, सिंपली एल प्रेस करना है, लुक एट करते हैं तो वो चीज़ आपके बिल्कुल सामने यानी कि सेंटर में आ जाएगा। आप उसे देखने के लिए लुक यानी देखने के लिए सेंटर में आ जाएगा। किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसके नीचे है मूव टू, जिसकी शॉर्ट की है एम। सिंपली एम प्रेस करके मूव टू कर सकते हैं। मूव टू फिलहाल अभी हाइड हो रहा है, और इसे दिखाने के लिए चलिए मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, यहाँ पे एक गमला है, इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ व्यू में। व्यू में जाने के बाद आता हूँ मूव टू। ये अभी देखा आपने हाइड था, ये अनहाइड हो चुका है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो गमला वो बिल्कुल सेंटर और सामने आ जाएगा मेरे पास बिल्कुल, ताकि मैं इसे मूव करा सकूँ कहीं पर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप देख रहे तो उसके नीचे चलते हैं। उसके बाद क्या है, आपने देखा लुक एट और मूव टू दोनों बिल्कुल सेम ही है, जो ये कैरेक्टर को बिल्कुल सामने ले आते हैं सेंटर में, और वहाँ से आप कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसके नीचे आता है हाइड। अगर आपने अपने वीडियो में कोई इफेक्ट लगा रखा है यानी रेन इफेक्ट या लाइटिंग इफेक्ट या जो सन वाला इफेक्ट होता है, आपने कोई सा भी इफेक्ट लगा रखा तो उसे हाइड करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में कोई सा भी इफेक्ट नहीं लगा रखा मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में जाने के लिए व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन हाइड लाइट। अगर आपने अपने वीडियो में लाइट लगाए रखी है तो उसे हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में कोई सा भी लाइट नहीं लगा रखा है मैंने, लाइट अप्लाई नहीं कर रखा या लगा नहीं रखा, तो उसके ये इफेक्ट अभी काम नहीं करेगा। हाइड इनविजिबल, इस ऑप्शन से आपका कोई से भी करेक्टर या ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं, यानी जो दिखे ना आप वो कर सकते हैं इसे, और फिर उसके बाद इसी ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करके इसे अनहाइड कर सकते हैं। इसके नीचे आता है हाइड कैमरा। जैसे आपको दिख रहा होगा ये कैमरा, इस कैमरे को अगर हमें हाइड करना है, इससे कैमरे को हमें तो मान लो कि हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, इस कैमरे को हमें थोड़ा हाइड करना है, तो उसको सिलेक्ट करके कैमरे को व्यू में जाना। व्यू में जाने के बाद कैमरे को इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिस पर लिखा हुआ हाइड कैमरा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैमरे को मैंने हाइड कर दिया, यहाँ पे कैमरा हाइड हो चुका है। फिर दोबारा जाना व्यू में, और इसके नीचे लिखा हुआ है हाइड कैमरा विंडो, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड कैमरा विंडो। अगर आप इसे भी हाइड करना चाहते हैं कैमरे के साथ साथ, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी हाइड हो चुका है आपके सामने। और फिर दोबारा व्यू में जाते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ शो कैमरा और शो कैमरा विंडो। आप दोनों चीज़ को क्लिक करके यहाँ पे कैमरा आ चुका है, और इसके नीचे जाते हैं तो शो कैमरा विंडो, आप ये दोनों चीज़ आ चुकी है। और सबसे व्यू करना चाहते हैं दोबारा से फिर से, और सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शो स्क्रीन विंडो, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस W। आप इसे प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इसे लिखा हुआ है शो स्क्रीन विंडो। इस पर क्लिक करने के साथ साथ आपको सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी जिस पर लिखा हुआ है स्क्रीन। इस विंडो में आपको दिख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट। आप परेशान ना होइए कि क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वो है जो मैंने अपने वीडियो में यूज़ करके, जितने भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेक्टर वगैरह कुछ भी दिख रहा हो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे दिख रहा हो करेक्टर, तो ये करेक्टर है। यहाँ पे आपको डोर, यहाँ पे आपको बसें वगैरह दिख रही है फायर वाली, तो आपको सामने ये सारी चीज़ें शो करता है। चलिए इसे करते हैं कैंसिल। तो अब चलते हैं हम, पूरा हमारा व्यू कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम प्रिपेयर में, जो इसके नेक्स्ट ऑप्शन है। इसके आपके सामने दिखता हुआ फर्स्ट ऑप्शन, इस पर लिखा हुआ ऑडियो। आप ऑडियो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप सामने एक बॉक्स खुलता है जिस पर लिखा प्रिपेयर ऑडियो। अगर आप अपने करेक्टर में कोई ऑडियो या बैकग्राउंड में ऑडियो वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको मैं बताऊंगा नहीं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आपको मैंने इससे पहले वीडियो आपको बना रखा है मेरे चैनल पर, वीडियो है जिसमें लिखा प्रिपेयर ऑडियो। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें मैंने लिपसिंग ऑडियो या बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ दिखा रखा, उसमें तो आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है। चलिए इसके जैसे कैंसिल, चलते हैं प्रिपेयर में दोबारा से। उसके नीचे लिखा है डायलॉग। ये जैसा मैंने अभी बताया, जैसे करेक्टर ऑडियो डायलॉग लिपसिंग सब कुछ द्वारा इनसे ही होता है, ऑडियो ऑडियो लगाने के लिए और डायलॉग लगाने के लिए। करेक्टर का कोई डायलॉग वगैरह आप उसे बुलवाना चाहते हैं तो उसे आप लगा सकते हैं। क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ सामने वही आ रहा था प्रिपेयर डायलॉग वगैरह। यहाँ पर प्रोग्रेस टू ऑडियो, आप अपने पुट कर सकते हो ऑडियो या रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए ऐसे करते हैं कैंसिल।
फिर दोबारा जाते हैं इसी ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड आता है साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट ये है, अगर आप इस वीडियो में या अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट वगैरह लाना चाहते हैं किसी चीज़ के साउंड, जैसे यहाँ पे आपको डोर दिख रहा है, अगर डोर ओपन या क्लोज करते हुए जो साउंड आता है उसका साउंड, या ये बस वगैरह चलने के लिए, कार चलने के लिए जो साउंड आता है उसका साउंड, या कुछ भी इन्वॉल्वमेंट यानी कि किसी चीज़ का भी अगर साउंड आप लेना चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई गिरता है उसकी जो साउंड आता है उसके साउंड, ये सारे आपको साउंड मिल जाएंगे। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, मैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे साउंड वगैरह मिल जाते हैं, आप यहाँ से साउंड कोई साउंड अप्लाई कर सकते हैं अपने वीडियो में। चलिए इसे करते हैं कैंसिल, इसको दोबारा जाते हैं प्रिपेयर में। इसके नीचे आता है कैमरा कट, कैमरा कट की वीडियो, अगर आपको कैमरा कट के अच्छे तरीके से वीडियो देखना है तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कैमरा कट की वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए सिंपली मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कैमरा कट वो होता है, इस एनिमेशन मूवी सॉफ्टवेयर एनिमेशन के अंदर आपको चार कैमरे मिलते हैं, उस कैमरे को चार कैमरे को अगर आप चारों दिशाओं में अलग अलग रखते हैं तो उसे कहते हैं कैमरा कट, आप चारों कैमरे से रिकॉर्ड कर सके। तो फिलहाल मेरे पास एक ही कैमरा है तो मैं अभी बता नहीं सकता, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। इसके नीचे आता है कैमरा मूवमेंट, चलिए मैं दिखाता हूँ कैमरा मूवमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आता है जिसपे लिखा हो प्रिपेयर कैमरा मूवमेंट, यहाँ पे लिखा हो मूवमेंट स्पीड, रोटेशन स्पीड, स्मूथनेस, रोल। अगर आप इसे रोल पे अगर मैं थोड़ा आगे करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये कैमरे का रोटेशन जो हो रहा है वो घूम रहा है, और साथ साथ आपको इस विंडो में भी देखिए, इस विंडो का मैं थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करता हूँ ताकि सही से दिख सके, आप इस विंडो में देखिए और यहाँ पे कैमरे को देखिए। अगर मैं इस रोल को थोड़ा आगे पीछे करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों चीज़ें रोटेट हो रही है, घूम रही है। दोस्तों बस ये इसका काम आता है, और यहाँ मैं इस बॉक्स को करता हूँ कैंसिल, आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से, एक ट्यूटोरियल, आप उस वीडियो को देख के सब ढंग से समझ सकते हैं। चलिए इसे करते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है करेक्टर एक्शन, करेक्टर एक्शन वो होता है आप अपने करेक्टर को कोई सा एक्शन कराना चाहते हैं उसके काम आता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है करेक्टर एक्शन पे, करेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सामने एक बॉक्स खुलता है जिस पर लिखा है प्रिपेयर करेक्टर एक्शन, इसके अंदर आपको सारे एक्शन दिख रहे हैं, लिखा हुआ हैप्पी, सैड, एग्री, ऐसे आपको करेक्टर को अपने खुश रखना चाहते हैं या दुखी रखना चाहते हैं, एग्री गुस्सा वाला बनाना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको हैप्पी को क्लिक करके, हैप्पी को क्लिक करता हूँ मैं तो इसके बहुत सारे यहाँ पे आते हैं एक तरह से एनिमेशन, और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे देख रहा हो करेक्टर में थोड़ा चेंजेस आपको आएगा, जैसे मैं नीचे सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे देख रहा हो करेक्टर ये टॉल कर रहा है, अपने हैंड्स को शेक कर रहा है, और इसके नीचे चलते हैं लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड शेक हो रहा है, और यहाँ पे राइट हैंड शेक हो रहा है, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे बहुत सारे आपको वो मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अगर मैंने ये कर दिया और इसे कर दो ओके तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये सिर्फ एक्शन हो रहा है करेक्टर के अंदर, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू डायरेक्ट, इसे क्लिक करने से आपका जो करेक्टर आपने अभी जो अपने एक्शन करेक्टर के अंदर एक्शन अप्लाई करा है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर टाइम लाइन की मदद से। यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके रिकॉर्ड करते हैं, इससे करते हैं प्ले, इसके बाद आता है स्टॉप, और यहाँ वो रिकॉर्डिंग होती है। तो चलिए इसे करता हूँ मैं कैंसिल, उसके बाद मैं फिर से चलता हूँ प्रिपेयर में, प्रिपेयर में जाने के बाद इसके नीचे आता है करेक्टर प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक के साथ आपको सामने एक और बॉक्स पे लिखा हुआ है प्रिपेयर करेक्टर प्रॉपर्टीज, इसका मतलब यानी कि ये होता है अगर आप अपने करेक्टर का स्क्रीन वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉडी, या आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं एक तरह से, ये भी चेंजेस का काम आता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर करेक्टर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ट्रैक, ट्रैक के अंदर लिखा हुआ है बैक, यानी कि आप करेक्टर के जो बैक साइड है आप उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस का मतलब ये है कि कलर चेंज एक तरह होता है। फिर मैं जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन, टिथ, चेस्ट वगैरह, आप उसके कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर क्लिक करके, आप स्क्रीन पर क्लिक करिए, इसके नीचे आता है एनिमेशन, इस पर लिखा हुआ डोंट एनिमेशन, लेकिन हमें कराना है इस करेक्टर को एनिमेशन के अंदर तो हमें इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आता है लास्ट ऑप्शन जिस पर लिखा हुआ है एनिमेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे कुछ कलर, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रीन में कलर वगैरह चेंज करने के लिए। इसे चेंज करने के लिए आपको जाइए स्विच टू डायरेक्ट पर क्लिक करना है, इसके आपके सामने दोबारा से खुल जाएगा टाइम लाइन जो मैंने बताया था अभी। तो स्क्रीन का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ से रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ करेक्टर ने कैसे स्क्रीन चेंज करना है। जैसे आपको दिखाता हूँ रेड पर क्लिक करा मैंने तो यहाँ पर रेड हो गया, येलो पर क्लिक करा तो यहाँ पर येलो हो गया, तो ऐसे आप करेक्टर का स्क्रीन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आपको देख लिया स्क्रीन चेंज करना है, जैसे करते हैं स्टॉप, स्टॉप करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ कैंसिल, और यहाँ करेक्टर हमारा एकदम बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, जैसे मंकी के स्टाइल में बंदर होते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो इसे फिलहाल मैं देखिए यहाँ पे डोर भी चेंज हो गया, तो इसे चलो थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ पहले जैसे, तो ये हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
प्रिपेयर में जाकर सबसे इसके नीचे आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अगर इस पर क्लिक करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे करेक्टर से कुछ स्क्रीन वगैरह चेंज करी, वैसे ऑब्जेक्ट के आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इस साइड करता हूँ साइड में से थोड़ा, और मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे फायर बक्स बस को, और इस पर चलते हैं दोबारा जाता है ट्रैक पे। ट्रैक को आपको दिखाता हूँ मैं इसे चेंज कर, यहाँ पर लिखा हुआ विंडोज़, विंडोज़ पर क्लिक करता हूँ, और इस पर दोबारा जाता हूँ मैं, और इस पर क्लिक करके मैं जाता हूँ एनिमेशन पे। ऐसा क्लिक के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विंडोज़ के कलर वगैरह चेंज होते हैं। अब जैसे मैंने अभी करेक्टर का कलर स्क्रीन वगैरह चेंज करा, आप उसे सिलेक्ट करके इसके विंडोज़ है जो ये विंडो होते हैं इसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं स्विच टू डायरेक्ट, और यहाँ का रिकॉर्डिंग करके आप इसे कलर को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, इसके चक्कर में अभी मैं आपको नहीं दिखाने वाला, और इसे मैं करता हूँ कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रिपेयर में जाके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूवमेंट। ऑब्जेक्ट मूवमेंट यानी किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराना, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ करने करके। इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ ये एक गमला, छोटा सा ऑब्जेक्ट, और जाता हूँ दोबारा प्रिपेयर में। प्रिपेयर में जाने के बाद मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट मूवमेंट पर क्लिक। आपके सामने एक बॉक्स खुल के आ चुका है जिस पर लिखा है प्रिपेयर ऑब्जेक्ट मूवमेंट। इसके साथ कुछ ज़्यादा ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था जिसमें लिखा हुआ था कैमरे, कैमरे के बारे में बताया मैंने, जिस पर लिखा हुआ था मूवमेंट स्पीड और रोटेशन स्पीड और स्मूथनेस और ग्रेजुटी। तो ये होते हैं कुछ इसकी सेटिंग्स। फिलहाल सेटिंग्स को ऐसी नॉर्मल रहने दीजिए, इसे छेड़ना नहीं है। और ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने के लिए आपको कीबोर्ड में लगे फोर एरो बटन जो होते हैं उससे मूवमेंट कराना होता है। तो चलिए इसे कराने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं स्विच टू डायरेक्ट पर क्लिक करते हैं, और आपके सामने फिर से वही टाइमलाइन खुल के आ जाएगा जो पहले खुला हुआ था। और उसे करता है रिकॉर्ड पर क्लिक। रिकॉर्ड क्लिक करने के बाद आपके सामने रिकॉर्डिंग चालू हो रही है, और मैं अब इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराता हूँ। जैसे मैं इसे लेता हूँ आगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये वहाँ से उठ के यह आगे आ रहा है, गमला यहाँ आ चुका है। और इसे मैं लेता हूँ दोबारा से बैक पीछे, तो ये इसे अपनी जगह पर इसे मैं करता हूँ सीधा फिट। आप इसे लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसे लेफ्ट राइट करता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सेट करता हूँ, और यहाँ पे टाइम आउट करता हूँ स्टॉप। स्टॉप करने के बाद मैं इसे करता हूँ कैंसिल। तो आप देख सकते हैं ये गमला यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है। तो ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए काम आता है, जो कि आपको मूवमेंट कराने के लिए अपने कीबोर्ड पर लगे फोर एरो बटन का प्रयोग करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो दोबारा जाते हैं हम प्रिपेयर में। प्रिपेयर में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन में मैंने जो था ऑब्जेक्ट मूवमेंट वो आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ पे ये प्रिपेयर होता है हमारे यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन में जिस पर लिखा हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको सामने आता है डायलॉग, जो भी मैंने आपको प्रिपेयर में बताया डायलॉग आता है, साउंड इफेक्ट आता है, दोनों सेम ही ऑप्शन है। तो इसे छोड़ते हैं हम आज, चलते हैं इसके नीचे। नेक्स्ट कैमरा कट आता है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो ये उसके अंदर मैं बता दूंगा। उसके नीचे आता है कैमरा मूवमेंट, जो आपको मैंने बता रखा, जो अभी कैमरा आपको रोटेशन जो मैं गोल गोल घूम रहा था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरे के स्क्रीन उसमें दिख रहा था, सेम वही है। इसके नीचे आता है करेक्टर आइज एंड हेड, ये आपको बताने वाला एक चीज़ है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पर मैंने करेक्टर को सिलेक्ट कर रखा है, और इसके जो होता है आइज और हेड जो होता है उससे हम मूवमेंट कराते हैं, यानी कि उसे अप डाउन या लेफ्ट राइट कराते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ हेड। हेड सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ पर करता हूँ जूमिंग, ताकि आपको करेक्टर का फेस अच्छे तरीके से दिख सके। करेक्टर को आप हेड को देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे हेड सेलेक्ट कर रखा, मैं इसे अगर उसे घुमाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके हेड के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ये होता है करेक्टर हेड के मूवमेंट कराने के लिए। और अगर मैं आइज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आइज के मूवमेंट होगी, आप देख रहे होंगे उसकी आंखों को, और यहाँ मैं आइज के मूवमेंट करा रहा हूँ। तो ये आता है आपको, ये ऑप्शन आता है आपके काम में हेड और आइज को थोड़ा मूवमेंट कराने के लिए, लेफ्ट राइट अप डाउन कराने के लिए होता है। और उसके अंदर आता है आइज साइज, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो इसके आँखों की साइज अगर से आपको कोई स्मॉल करना है तो आप देख रहे हो बिल्कुल ये आँखें ये बंद हो चुकी है इसकी। अगर मैं करता हूँ इसे थोड़ा बिग में, थोड़ा आगे ले जाता हूँ, तो आँखें एकदम बड़ी बड़ी दिख रही है। तो दोस्तों बस इसी एक ऑप्शन जो होता है ये इसे काम आता है करेक्टर के आइज हेड को मूवमेंट कराने के लिए, या आइज को बड़ा या छोटा करने के लिए। इसके नीचे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद इसके नीचे है हमारे सामने करेक्टर एक्शन, यानी करेक्टर को एक्शन कराने के लिए। जैसे मैं आपको पहले बता दिया, इसमें मैं बता रहा था आपको हैप्पी सैड एग्री के अंदर जाके मैं करेक्टर दिखा रहा था हैंड शेकिंग वगैरह, वो ये वही वाला ऑप्शन है। इसके नीचे चलते हैं करेक्टर प्रिपेयर, यानी करेक्टर जिसमें मैंने आपको दिखाया था उसके स्क्रीन कलर को चेंज करने के, वो ऑप्शन यही वाला ऑप्शन है। ये दोनों प्रिपेयर और डायरेक्ट, ये दोनों ऑप्शन में कुछ ज़्यादा सी चीज़ मिलती जुलती सेम है। मैं इसके नीचे चलता हूँ, इसमें लिखा हुआ है करेक्टर मूवमेंट। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था गमले को मूवमेंट करा के, सेम वैसा भी वो करेक्टर मूवमेंट होता है। जैसे मैं आपको करेक्टर मूवमेंट पर क्लिक करता हूँ
यहाँ पर सामने खुल के आता है एक बॉक्स, उस पर लिखा है डायरेक्ट कैरेक्टर मूवमेंट। आपके सामने यहाँ पर कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ आ गया और नीचे आता है तीन मूवमेंट, उसमें रहता है फास्ट, स्लो और फास्ट। अगर मैं इसे करता हूँ स्लो पे, और स्लो पे जाने के बाद यहाँ पर मैं टाइम लाइन को करता हूँ साइड में, साइड में करने के बाद मैं कैरेक्टर को करता हूँ मूवमेंट, और मूवमेंट करने के लिए सबसे मैं करता हूँ रिकॉर्ड। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा मूवमेंट करने के लिए, और यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे आ चुका है एरो करेक्टर को प्ले कराने के लिए, यानी कि मूवमेंट कराने के लिए। और आपको एरो को सिलेक्ट करना है, एरो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ का प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये करेक्टर मूवमेंट के लिए यहाँ पे ये करेक्टर बाहर आ चुका। मैं थोड़ा सा करता हूँ वीडियो को थोड़ा पीछे कैमरे को, ताकि आपको दिख सके अच्छे तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा ये है मूवमेंट कराने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करके मैं इसे करता हूँ मूवमेंट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करेक्टर कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो चलिए देखा आपने कैसे करेक्टर को मूवमेंट कराते हैं। चलिए सब करते हैं टाइमलाइन को स्टॉप। स्टॉप करने के बाद मैं इसे करता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद ये थोड़ा कैरेक्टर टेढ़ा हो गया फिलहाल, मैं इसे पहले की तरह लाने के लिए थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ। एक बार बैक साइड बैक चला जाता हूँ और यहाँ सही हो गया। करते थोड़ा जूमिंग, अब चलते हैं नेक्स्ट में, फिर जाते हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट में जाने के बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको बताया था अभी प्रिपेयर के अंदर, मैंने इस बस के विंडोज के कलर चेंज करने के लिए सेम वही है ये प्रॉपर्टीज, उसे ही कहते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर वगैरह चेंज करने के लिए थोड़ा सा जैसे एडिटिंग जो होती है वो करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आता है ऑब्जेक्ट मूवमेंट। जैसे मैं आपको दिखाया था इस गमले को यहाँ से यहाँ मूवमेंट कराया था, तो वो उसे काम आता है। देखा आपने प्रिपेयर और डायरेक्ट के अंदर ज़्यादातर ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सेम होते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा ये डायरेक्ट ऑप्शन जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो हम चलते हैं अब लास्ट ऑप्शन में, जिस पर लिखा हुआ है टूल्स। टूल्स के अंदर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आता है टाइम लाइन, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके आप टाइम लाइन को ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाऊंगा यहाँ पर टाइम लाइन, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। इसे करते हैं हम कैंसिल, और इसके नीचे आता है ये इनके मूव्स जो होता है, इनके फीचर वगैरह है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर खुल के आता है कुछ ये जो ऑप्शन जो है कि लॉक है। आप जो मूव जो कोड होता है जिनसे हम कहते हैं लाइसेंस की वगैरह, उसे शायद मेरे हिसाब से एंटर करके इस इन सब ऑप्शनों को अनलॉक कर सकते हैं मेरे हिसाब से शायद ये। अगर आपको अच्छी तरह से पता हो तो आप जिसे कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसमें करता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद चलते हैं टूल्स के अंदर दोबारा। इसके नीचे आता है इनेबल स्नैपिंग। ये ऑप्शन मुझे खुद नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ में लाया जाता है, ताकि मैं इसे यूज़ करके एक अच्छा ट्यूटोरियल वीडियो बना सकूं। इसके नीचे आता है कंटेंट पैक। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने एक बॉक्स खुल गया जिसमें बहुत सारे हेडलाइंस है, जिस पर लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड सब पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड। और ये सारी चीज़ें आपके मूवीज़ में इंस्टॉल्ड है। अगर आपके मूवीज़ में कुछ अपडेट आता है या इंस्टॉल्ड वो चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे मूवीज़ में सबसे लास्ट में आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ नॉट इंस्टॉल्ड। अगर मेरे को इसे इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टॉल, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको इसे अनइंस्टॉल करना था, यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करते अनइंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट की, तो आपके पीसी में इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो चलिए इसे करते हैं हम कैंसिल, ये कुछ खास फीचर नहीं है। इसके बाद चलते हैं इस टूल के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन बता चुका हूँ, यहाँ पर टूल भी खत्म हो चुका है। सबसे लास्ट ऑप्शन आता है वीडियो। अब वीडियो में जाने के बाद आपको दिखेंगे दो ऑप्शन, जिस पर लिखा हुआ है मेक वीडियो, यानी कि सबसे लास्ट स्टेज पर आ चुकी है। जब हमारा वीडियो जो बन के तैयार होता है तो उसे हम करते हैं मेक वीडियो, यानी कि वीडियो को निकालना यानी मेक बनाना। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक विंडो खुल के आती है जिस पर लिखा हुआ मेक वीडियो, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपनी वीडियो जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई है वो आ गया। इसके अंदर टाइम स्टार्टिंग एंडिंग टाइम वगैरह जो भी है, इसके अंदर दिखा रहा है वीडियो इतने मिनट से लेके इतने मिनट तक बनी है। और यहाँ पे आता है फ्रेम रेट, यानी कि पिक्सल, आप वीडियो को कौन से पिक्सल में निकालना चाहते हैं। फिलहाल मैंने कहा सबसे हाई पिक्सल यानी कि 720 पिक्सल को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो मैं 720 ही रहने देने वाला हूँ। एडवांस पे क्लिक करते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ आता है आउटपुट टाइप, यानी कि वीडियो जो हम बना रहे हैं वो लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ वीडियो ऑप्शन। वीडियो ऑप्शन में आता है कोड लिखा हुआ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये चार ऑप्शन आते हैं जो मैंने आपको मैंने पहले बताया था। जैसे वीडियो का जो कोड होता है एंड में लिखा हुआ आता है .mp4.hd.3gp, सेम वही होता है। आप इसे कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा नॉर्मली, और ऐसे ही करके वीडियो को मेक कीजिएगा, कुछ छेड़खानी इसमें नहीं करनी हमें। उसके बाद आता है प्रीव्यू, आपको वीडियो देखना है कि वीडियो हमने कैसे बनाई है, उसके काम आता है, यहाँ पे प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आता है वाटरमार्क, यहाँ पे वाटरमार्क के लिए है, ये वाटरमार्क जो आता है इसे हटाने के लिए। फिलहाल मेरे पास प्ले प्लस वर्जन नहीं है तो मैं इसे हटा नहीं सकता, तो इन सबको छोड़ते हैं। और सबसे आता है फर्स्ट ऑप्शन, इस पर लिखा हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन में आ करते हैं मेक वीडियो पर क्लिक। क्लिक करने के साथ आपके सामने एक खुल के आता है एक बॉक्स, जिस पर लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग में सेव एस, यानी कि अब जो वीडियो आप जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं आप करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने मूवीज का जो आपने वीडियो बनाई है उसका टाइटल ले सकते हैं, यानी अपने वीडियो का नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, लिखने के बाद सिंपली करता हूँ सेव पे क्लिक, और यहाँ वीडियो मेरी मेकिंग चालू हो चुकी है।
तो यहाँ देख रहे होगा आपको मेकिंग चल रही है, यहाँ पे 0% दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं करता हूँ अभी के लिए इसे कैंसिल, यहाँ का कैंसिल हो चुका है। उसके बाद चलते दोबारा से वीडियो में, वीडियो का ना लास्ट ऑप्शन दिखता अपलोड टू यूट्यूब। अगर आप एक यूट्यूबर है, अपने वीडियो पे अपने यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, जो अपने ट्यूटोरियल या वीडियो बनाया, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको चाहिए क्या, तो इंटरनेट। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन बता चुका हूँ, एक फुल डिटेल्स हो गया, यानी कि एक फुल गाइड वीडियो हो गई। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत आती है बनाने में, आपको वीडियो वगैरह ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं आप, उसमें दिक्कत आती है, तो आप हमारी वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए नीचे इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मूवीज के आने वाली सारी वीडियो के अपडेट आपके फोन पे मिल सके। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अल्ट्रामाइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।